महाराष्ट्र में वोटों की गिनती जारी है। अकोला वेस्ट से कांग्रेस के साजिद खान पठान इस वक्त आगे चल रहे हैं। अमरावती से बात की जाए तो एसपी काशीराम के अलीम पाटिल मोहम्मद वाहिद आगे हैं। अनुशक्ति नगर से एनसीपी के फाहद अहमद आगे चल रहे हैं। औरंगाबाद ईस्ट से एमआईएम के इम्तियाज जलील आगे हैं। वहीं कागल से कांग्रेस के मुशरफ हसन आगे चल रहे हैं। मलाड वेस्ट से कांग्रेस के असलम शेख इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं। वहीं मालेगांव सेंट्रल की बात करें तो इस्लाम पार्टी के आसिफ शेख रशीद आगे हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के अबू असलम आजमी आगे हैं। सिलौट से शिवसेना के अब्दुल सत्तार आगे हैं। सोलापुर सिटी सेंट्रल से एमआईएम के फारूक मकबूल आगे चल रहे हैं। वर्सोवा से शिवसेना उद्धव के हारून खान इस वक्त आगे हैं। तो मुस्लिम कैंडिडेट्स इस चुनाव में कैसे नजर आते हैं, उनका स्टेटस फिलहाल क्या है, वो अब तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र में वोटों की गिनती जारी है, ऐसे में जो तमाम सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं ये कहना कि झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहूँगा, आपका भी जिस तरह से गांडे विधानसभा से आप लगातार जो प्रयास कर रही थी, अभी भी जो रुझान है उसमें थोड़ा कुछ है, लेकिन क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि अपना और भी रिकॉर्ड तो मार्जिन से आगे? देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है, अभी तो पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए, खत्म होने दीजिए।